रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे डेविडसन 23rd एडिशन से। मैं आपको डर्मेटोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो UHS के प्रॉफ में आते हैं, और कौन सा क्वेश्चन कितनी दफ़ा आया हुआ है और क्या क्या MCQs आते हैं, सब मैं आपको बताऊंगी। ये डर्मेटोलॉजी का सेक्शन है, सेक्शन 29 है डेविडसन 23rd एडिशन का। डर्मेटोलॉजी के अंदर ग्लोब गाइडलाइंस, डर्मेटोलॉजी में से आपके एक SCQ आता है और 5 MCQs आते हैं, तो टोटल जो है ना 5 मार्क्स का एक SCQ आता है और 6 MCQs आते हैं, और टोटल आपका जो है वो 11 मार्क्स का पेपर प्रॉफ में आता है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें कि आपने इन्वेस्टिगेशंस लाजमी याद रखनी है MCQs के लिए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होती है स्किन डिजीज के अंदर वो आपको पता होनी चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हर्पीस सिंप्लेक्स, वायरल वॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंगल इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, स्केबीज, एक्नी वल्गैरिस, एक्जिमा, सोराइसिस, लाइकेन प्लैनस, अर्टिकेरिया, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोडाइसिस, पायरोडर्मा गैंग्रीनोजम, SLE, एरिथमा मल्टीफॉर्म, शिंगल्स, एरिथमा नोडोसम, पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया 5 पेपर्स में आया हुआ, डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस, और अच्छा जो स्केबीज है वो 3 times 5 पेपर्स के अंदर आई हुई है, एक्नी वल्गैरिस 1 time, एक्जिमा 6 times आया हुआ है, सोराइसिस आपकी 3 times आई हुई है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोडाइसिस 1 time आया हुआ है, SLE भी 1 time आई हुई है, एरिथमा नोडोसम आपका 3 times आया हुआ है, पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया भी 1 time आया हुआ, डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस भी 1 time आया हुआ है 5 papers में। एग्जामिनेशन के ऊपर हमें डर्मेटोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नजर आती हैं, जैसे कि हमने डिटेल मॉर्फोलॉजी आपने लेनी होती है इंडिविजुअल लीजन्स की, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से और बहुत अच्छी लाइट के अंदर आपने उसके लीजन्स को देखना होता है, और ये यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि बिनाइन नेविस किस तरह का नजर आता है, और पामो प्लांटर पस्टिलोसिस अगर हो जाएगी तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर किस तरह से नजर आती है। आपने ओवरऑल डिस्क्रिप्शन लेनी इंडिविजुअल लीजन्स की, कि डिस्क्रीट लीजन है, कॉन्फ्लुएंट है, ग्रुप लीजन्स हैं, रेटिकुलेट हैं, लेस लाइक हैं या लीनियर हैं। ठीक है, डिस्क्रीट होंगे कि अलग अलग नजर आ रहे होंगे, ग्रुप होंगे इकट्ठे होंगे एक जगह पे लीजन, कॉन्फ्लुएंट का मतलब है आपस में मिले हुए होंगे, रेटिकुलेट लेस लाइक होंगे या फिर लीनियर होंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ रैश आपने चेक करनी है कि एक तरह का रैश है या मल्टीपल टाइप्स के रैश है, मोनोमॉर्फिक है या पॉलीमॉर्फिक है। अगर आपके एक्सिला को इन्वॉल्व करता है या ग्रोइन को इन्वॉल्व करता है, ज्यादातर आपका हाइड्रोइडेनाइटिस सेपरेटिवा होता है जिसमें आपके स्वेट ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो जाती है, और आपके अंडरआर्म्स को इन्वॉल्व करता है या फिर आपके जो है वो ग्रोइन को इन्वॉल्व करता है। अच्छा, सोराइसिस के अंदर आपकी नेल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक हो गया, सोराइसिस में आप इस डिफ्रेंशिएट हम इस तरह से कर रहे होते हैं कि आपकी नेल इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है सोराइसिस वाले पेशेंट्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपकी सिमेट्रिकल अगर एक आपको रैश मिल रहा है कि जो एक जैसा है, ठीक है, और एक्सटेंसर सर्फेसिस के ऊपर है तो वो सोराइसिस होगी, और अगर आपको एक बिल्कुल सिमेट्रिकल रैश मिल रहा है लेकिन आपकी फ्लेक्सर सर्फेसिस के ऊपर ज्यादा है तो वो एक्जिमा होता है। ठीक है, EF से याद रखना है कि एक्जिमा फ्लेक्सर सर्फेसिस के ऊपर होता है, सोराइसिस आपकी एक्सटर्नल सर्फेसिस पे होती है। अच्छा, अब उसके बाद आपने रैश को चेक करना है कि रैश आपका सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, कि राइट लेफ्ट पे सेम है या राइट लेफ्ट पे डिफरेंट है, प्रॉक्सिमल रैश है या डिस्टल रैश है, या आपके फेस के ऊपर रैश है, लोकलाइज्ड है किसी एक जगह पे ही स्पेसिफिक है या फिर वाइड स्प्रेड है। स्कैल्प को लाजमी देखना है, जिसने आपको हेयर लॉस नजर आता है स्कैल्प की चेंजेस नजर आएंगी। इन्वॉल्वमेंट आपने देखनी है कि सेंट्रल फेस इन्वॉल्व हुआ है, आपकी हेयर लाइन इन्वॉल्व हुई हुई है, आपकी चीक्स या नेजल ब्रिज इन्वॉल्व हुआ है, बटरफ्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी SLE वाले पेशेंट्स के अंदर होती है, और आपने ये देखना है कि जो लाइट प्रोटेक्टेड साइट्स होती हैं जैसे कि बिहाइंड द ईयर्स, अंडर द चिन, अगर वो तो ठीक है कि आपकी चिन ठीक है, कानों के पीछे से ठीक है, आपने ये देखना है कि लाइट प्रोटेक्टेड एरियाज में कुछ मसला तो नहीं है, या आपने उसके पैटर्न ऑफ रैश देखना है कि बटरफ्लाई रैश है, सेंटर ऑफ द फेस के ऊपर रैश है, फॉरहेड पे रैश है, या आपकी हेयर लाइन के साथ रैश है। आई की इन्वॉल्वमेंट आपने लाजमी चेक करनी होती है, कंजक्टिवाइटिस या ब्लेफराइटिस तो नहीं हुआ हुआ जो कि आपको रोजिशी के अंदर हो जाता है, और आईलैश का लॉस तो नहीं हो रहा जो कि आपके एलोपेशिया इरिटा के अंदर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे शो किया हुआ है कि रेटिकुलेट लेस लाइक नेटवर्क आपको नजर आता है बकल म्यूकोजा के ऊपर लाइकन प्लैनस के अंदर, ठीक है, और ये आपकी जेनेटल इन्वॉल्वमेंट को भी शो करता है। लाइकन प्लैनस जो होता है इसमें आपको रेटिकुलेट लेस लाइक आपको जो है ना पर्पल ह्यू नजर आती है, रेटिकुलेट नेटवर्क नजर आता है आपको बकल म्यूकोजा के ऊपर। उसके बाद आएगा सोराइटिक आर्थराइटिस। सोराइटिक आर्थराइटिस में पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको आर्थराइटिस होता है, साथ उनको ना सोराइसिस प्लाक सोराइसिस डेवलप हो जाती है, और उनकी नेल्स की भी एट्रोफी हो जाती है। हमने पढ़ा था कि सोराइसिस के अंदर नेल्स की चेंजेस आती हैं, और आर्थराइटिस होकर साथ उसको जो ना प्लाक बन जाता है उसके ज्वाइंट्स के ऊपर। साथ आपने लिम्फ नोड को एग्जामिन करना होता है कि कोई मैलिग्नेंसी वगैरह तो नहीं है। हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स की डर्मेटोलॉजीज जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डर्मेटोलॉजी के अंदर। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मैक्यूल या पैच। मैक्यूल वो होता है जो कि 1 centimeter से कम का होगा, और पैच वो होता है जो कि आपको 1 centimeter से ज्यादा का होगा, लेकिन दोनों जो होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई भी ऐसा एरिया जहां पे आपको कलर चेंजेस नजर आ रहे हैं और सर्कमस्क्राइब्ड होगा, और लेकिन वो फ्लैट होगा। अगर 1 centimeter से कम है मैक्यूल, 1 centimeter से ज्यादा है तो पैच होगा। पैप्यूल में क्या होगा, रेज्ड एरिया होता है लेकिन 1 centimeter से कम का होता है। नोड्यूल के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा
डीपर होता है पेप्यूल से ज़्यादा, और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होता है जो आपका नोड्यूल होता है, और ये आपकी डर्मिस को या फिर आपकी सबक्यूटेनियस लेयर तक चला जाता है। उसके बाद आता है प्लाक। प्लाक जो होता है ना वो आपकी फ्लैट टॉप्ड रेस्ड एरिया होता है जो कि आपकी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का ही होगा। देखो दो चीज़ें 1 सेंटीमीटर से कम की हैं, एक मैक्यूल 1 सेंटीमीटर से कम का होता है और एक आपका पेप्यूल 1 सेंटीमीटर से कम का होता है। वेसिकल होता है जो कि स्मॉल आपका जो ना फ्लूइड फिल्ड होगा, जो हम वेसिकल कहते हैं, 1 सेंटीमीटर से कम का होता है। ब्लिस्टर्स भी आपके क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा के होते हैं और फ्लूइड फिल्ड होते हैं। पस्ट्यूल्स क्या होते हैं, पस होती है जिसके अंदर आप कोई भी ऐसा वेसिकल जिसके अंदर आपकी पस आ जाएगी तो हम पस्ट्यूल कह देते हैं। पेटीकी और पर्परा क्या होता है, पेटीकी वो होती है जो कि टिनी आपको मैक्यूल्स नजर आते हैं, इसमें आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर ब्लड होता है आपकी डर्मिस के अंदर, और अगर पेटीकी लार्ज हो जाए पैल्पेबल हो जाए तो उसे हम पर्परा कहते हैं। ठीक है, पर्परा से आपने देखते हैं पर्परा बड़ा होता है और पेटीकी छोटी होती है। ठीक है, और पर्परा जो है ना वो आपका पैल्पेबल होता है, पेटीकी आपकी नॉन पैल्पेबल होती है। सारा स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सबसे पहले आपकी क्या होती है, एक आपकी एपिडर्मिस होती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी डर्मिस आती है और फिर आपकी सबक्यूटस आती है, या फिर इसे हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। अब एपिडर्मिस की लेयर्स में सबसे पहले आती है आपकी स्ट्रैटम कॉर्नियम आती है जिसे हम कैरेटिन लेयर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगी आपकी जो है वो ग्रैनुलर लेयर होती है, प्रिकल लेयर होती है, प्रिकल सेल लेयर होती है, बेसल सेल लेयर होती है, कैरेटिनोसाइट्स आपकी में के अंदर आपकी कैरेटिन 1 और कैरेटिन 10 होती है। ठीक है, और जो बेस के अंदर होते हैं ना उसमें आपकी कैरेटिनोसाइट्स के अंदर आपकी कैरेटिन 5 और 14 होती है। ठीक है, दरमियान में आपको मेलानोसाइट्स भी मिलते हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, और लैंगरन सेल्स भी मिलते हैं जो कि मैक्रोफेजेस होते हैं। अब इसमें आते हैं हमारे पास सबसे पहले कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा कि आपके ये बेसल कैरेटिनोसाइट्स होते हैं जिसको आपस में डेस्मोसोम्स ने उसके अंदर डेस्मोग्लीन 1 और डेस्मोग्लीन 3 होती है और डेस्मोप्लाकिन होती है। ठीक है, डेस्मोग्लीन 1, डेस्मोग्लीन 3 और डेस्मोप्लाकिन होती हैं जो कि आपके बेसल कैरेटिनोसाइट्स को आपस में कनेक्ट करी होती हैं, इसको हम डेस्मोसोम्स कहते हैं। और साथ आपके जो बेसल कैरेटिनोसाइट्स के अंदर आपको टोनो फाइलामेंट्स मिलते हैं, हेमिडेस्मोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, साथ इसमें लैमिना ल्यूसिडा यहाँ पे शो किया हुआ है, बेसल मेम्ब्रेन शो की हुई है। ठीक है, लैमिना ल्यूसिडा के अंदर आपकी लैमिनिन 1 होती है, लैमिना डेंसा के अंदर आपके टाइप 4 कोलेजन होता है। नीचे आपके एंकरिंग फाइबर शो किए हुए जो कि आपकी सब लैमिना डेंसा के अंदर होते हैं, डर्मिस शो की हुई है। ठीक हो गया, अच्छा शो किया हुआ है आपकी स्किन का, ये आपकी हेयर शाफ्ट है, और साथ आपको जो है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर वही 5 लेयर्स आ जाएंगी आपकी, और उसके बाद आपकी आते हैं डर्मिस। डर्मिस के अंदर आपको ना एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स मिलते हैं, साथ आपको सुपरफिशियल वैस्कुलर प्लेक्सिस आपको मिलेगा, ब्लड वेसल्स और नर्व्स आपकी डर्मिस के अंदर होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड मिलता है, साथ आपको जो है वो हेयर शाफ्ट आपको नजर आ रही है, हेयर शीथ नजर आ रही है, और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, साथ इसमें क्या होगा कि आपको जो ना डीप स्वेट ग्लैंड्स, डीप वास्कुलर प्लेक्सिस होगा और हेयर मैट्रिक्स भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, सबक्यूटेनियस के अंदर क्या होता है कि आपको डर्मल पैपिला होगा, सबक्यूटेनियस वेसल्स होती हैं, सबक्यूटेनियस के अंदर आपको जो ना वो सबक्यूटेनियस वेसल्स नजर आती हैं और डर्मल पैपिला यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। इसके अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यू होता है, फैट होता है जो कि आपके स्किन को आपके मसल के साथ एंकर कराता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या कराते हैं, हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, वुड लाइट से हम विटिलिगो को और मेलास्मा को देखते हैं, डर्मेटोस्कोपी हम कराते हैं, वुड लाइट देख ली, डर्मेटोस्कोपी करा ली, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लिया, डायोस्कोपी हम ल्यूपस वल्गैरिस के लिए कराते हैं जो कि बेसिकली क्यूटेनियस ट्यूबरक्लोसिस होती है, स्किन बायोप्सी हम कराते हैं इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीजेस के लिए, जैसे कि अगर आपको डर्मेटाइटिस हेपेटिक फॉर्मस है तो आप स्किन बायोप्सी कराओगे, बुलस डिसऑर्डर के अंदर हम स्किन बायोप्सी कराते हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा के अंदर, क्यूटेनियस ल्यूपस के अंदर या फिर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी कराते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कराते हैं, वायरोलॉजी कराते हैं, माइकोलॉजी कराते हैं, हर्पीस जॉस्टर के लिए आप PCR करा लोगे, HSV का, पैच टेस्टिंग करते हैं डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर या जो एक्जिमा वाले पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर हम पैच टेस्टिंग करते हैं, प्रिक टेस्ट हम करते हैं या फिर स्पेसिफिक IgE के लेवल्स को हम चेक करते हैं, अगर आपको किसी पेशेंट कोई एलर्जी होती है तो स्पेसिफिक IgE के लेवल चेक करेंगे और प्रिक टेस्ट कराते हैं, मोनोक्रोमेटर फोटो टेस्टिंग जो होती है वो हम फोटो सेंसिटिविटी के लिए करते हैं, मोनोक्रोमेटर फोटो टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट हम कराते हैं जिसमें आपके हीमोग्लोबिन हम चेक कर लेते हैं, TFT चेक कर लेते हैं, आयरन स्टडीज चेक कर लेते हैं अगर एक पेशेंट आ रहा है प्रूराइटिस के साथ या अगर उसको हेयर लॉस डेवलप हो गया है, लाइकन प्लैनस वाले पेशेंट के अंदर हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं, वो हेपेटाइटिस की सीरोलॉजी हम चेक करते हैं लाइकन प्लैनस वाले पेशेंट की, और ऑटो एंटीबॉडीज हम चेक करते हैं क्यूटेनियस ल्यूपस वाले पेशेंट्स के अंदर, हम एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा सकते हैं, MRI भी करा सकते हैं, इवन CT स्कैन भी कराते हैं अगर एक पेशेंट आ रहा है मेटास्टेटिक मेलानोमा के साथ या फिर क्यूटेनियस सार्कोइड के साथ। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कॉजेज और क्लिनिकल फीचर्स बताए हुए कॉमन स्केली रैशेस के। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो डायग्नोसिस का जो एटॉपिक एक्जिमा होता है ना वो आपके फेस को और आपके फ्लेक्चर सर्विसेज को इन्वॉल्व करता है, बच्चों के अंदर कॉमन होता है और ये इल डिफाइंड होगा, इसमें कोई ना प्रॉपर वेल सर्कमस्क्राइब नहीं होगा, ठीक है, पूरी जगह पे आपकी बॉडी पे फैला हुआ होगा, और इल डिफाइंड पैच होता है, बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, फेस को और फ्लेक्सर्स को इन्वॉल्व करता है।
एटॉपिक एक्जिमा के अंदर ना पुअरली डिफाइंड होगा, ठीक है, आपको रेडनेस डेवलप हो जाती है, स्केलिंग होती है, साथ वेजिकल्स भी बन सकते हैं और आपको लाइकेनिफिकेशन भी हो सकती है अगर आपको क्रॉनिक एक्जिमा हो, क्योंकि खारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे आपको जो ना लाइकेनिफिकेशन स्किन आपकी ना हार्ड हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। और साथ इसमें आपको शाइनी नेल्स नजर आते हैं, जब आपको एटॉपिक एक्जिमा होता है शाइनी नेल्स हो जाते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल क्रीज आपको नजर आती है, ठीक है, ऑर्बिट के नीचे आपको ना क्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है और डर्टी नेक आपको नजर आती है कि ग्रे ब्राउन कलर की आपकी डिस्कलरेशन हो जाती है एटॉपिक एक्जिमा वाले पेशेंट्स के अंदर। अब एटॉपिक एक्जिमा के अंदर क्या होता है कि आपकी फ्लेक्चर्स को इन्वॉल्व करता है, आपके फेस को इन्वॉल्व करता है, इसमें आपको जो पैच होगा वो पोली डिफाइंड होगा, बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व करता है, स्केल्स आपको नजर आते हैं, इवन वेजिकल्स भी बन जाते हैं, खारिश जब बहुत ज्यादा होती है और लाइकेनिफिकेशन डेवलप हो जाती है और शाइनी नेल्स होते हैं और इसमें आपको जो ना वो नेक जो है ना उनकी वो आपको डार्क ब्राउन ग्रे ब्राउन कलर की नजर आती है, डर्टी नेक नजर आती है, फेस को और फ्लेक्सेस को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद आती है सोराइसिस, सोराइसिस आपकी एक्सटर्नल सर्फेसिस को इन्वॉल्व करती है और आपकी लोअर बैक को इन्वॉल्व करती है और ये ज्यादातर आपको 15 साल से 40 साल की उम्र के लोगों के अंदर इन्वॉल्व होती है, ये सिमेट्रिकल होती है, वेल डिफाइंड पैच होता है, इसमें आपको एरिथेमेटस प्लाक्स नजर आते हैं और सिल्वर कलर का ना आपको स्केल भी नजर आएगा। नेल के अंदर आपको पिटिंग लाजमी मिलती है, नेल की चेंजेस लाजमी आती है सोराइसिस वाले पेशेंट्स के अंदर, ऑन्कोलाइसिस डेवलप हो जाती है, स्कैल्प की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है सोराइसिस के अंदर, आपके एक्जिला और जेनिटल एरियाज भी आपके इन्फेक्टेड हो जाते हैं सोराइसिस के अंदर, जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और आपको कोबनर फिनोमेना भी मिलता है। पिट्रियसिस रोजिशी में क्या होता है, आपको फिर ट्री पैटर्न नजर आता है ट्रंक के ऊपर, वेल डिफाइंड होता है, स्मॉल एरिथेमेटस प्लाक्स बन जाते हैं और कोलैटरल ऑफ द स्केल आपको नजर आता है और हेरल्ड पैच आपको नजर आता है। ड्रग इरप्शन आपकी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड होगी, पूरी बॉडी के ऊपर आपको मैक्यूल्स पेप्यूल्स नजर आएंगे, एरिथिमा डेवलप हो जाएगा, स्केल बन जाएगा और आपकी स्किन उतरना स्टार्ट हो जाती है, एक्सफोलिएशन स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो ना वो म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या फिर आपको एरिथ्रोडर्मा भी डेवलप हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका पिट्रियसिस वर्सिकलर, पिट्रियसिस वर्सिकलर ना आपकी अपर ट्रंक को इन्वॉल्व करता है और आपके शोल्डर्स को इन्वॉल्व करता है, इसमें आपको हाइपोपिगमेंटेशन भी हो सकती है और हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है और साथ आपको स्केली पैच नजर आते हैं। लाइकन प्लैनस एलपी आपने याद रखना है कि हेपेटाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, इसमें आपको डिस्पल लिम्स को इन्वॉल्व करता है लाइकन प्लैनस, ठीक है, और आपकी फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट के ऊपर होता है और लोअर बैक के ऊपर होगा, कमर के निचले हिस्से के अंदर होता है, रिस्ट के ऊपर होगा, ठीक है, आपके फ्लेक्सर एस्पेक्ट के ऊपर, इसके अंदर आपको जो ना विकमैन स्ट्रायर नजर आते हैं कि आपकी बकल म्यूकोजा के ऊपर ना आपको व्हाइट लेसी नेटवर्क नजर आएगा, शाइनी फ्लैट टॉप होता है, वोलेशियस पेप्यूल्स नजर आते हैं, ठीक है, फ्लैट टॉप होगा, वोलेशियस पेप्यूल्स होंगे, विकमैन स्ट्रायर नजर आता है, व्हाइट लेसी नेटवर्क नजर आता है आपको बकल म्यूकोजा के ऊपर, नेल की चेंजेस हमें नजर आती है, कोबनर फिनोमेना इसके अंदर भी होता है, स्कारिंग एलोपेशिया डेवलप हो जाता है कि जहां पे स्कार बनते हैं वहां से आपके जो ना बाल खत्म हो जाते हैं, लाइकन प्लैनस के अंदर आपके फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट को इन्वॉल्व करता है, लोअर बैक को इन्वॉल्व करता है, विकमैन स्ट्राया आपको नजर आते हैं, बकल म्यूकोजा के ऊपर आपको लेसी पैटर्न नजर आता है। अच्छा, इसके 6 पीस होते हैं जिसमें आपको क्या होगा, आपको इसमें पर्पल ह्यू आपको नजर आता पर्पल होता है, ठीक है, साथ इसमें क्या होगा आपको पॉलीगोनल हो सकता है, इसमें आपको प्रोराइटिस डेवलप हो जाता है और पॉलीमॉर्फिक होता है और टीनिया कॉर्पोरस क्या होती है, जो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर टीनिया हो जाता है जो कि एसिमेट्रिकल होता है, ये टीनिया कॉर्पोरस आपको एसिमेट्रिकल होता है, इसमें रेड कलर का आपको एनुलर प्लाक बन जाता है, पेरिफेरल स्केल होगा हमारे पास, समटाइम्स पस्टियूल्स भी बन जाते हैं और सेंटर से क्लियर होता है और साइडों पर आपके प्लाक बना हुआ होता है टीनिया कॉर्पोरस के अंदर, ठीक है, आपकी नेल की स्कैल्प की ग्रोइन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अच्छा, अब आती है सेकेंडरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस आपकी जो है ट्रंक को इन्वॉल्व करती है और आपके प्रॉक्सिमल लिम्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस सिफिलिस जो है आपकी ट्रंक को इन्वॉल्व करती है, प्रॉक्सिमल लिम्स को इन्वॉल्व करती है, आपकी पाम्स और सोल्स को भी इन्वॉल्व करती है, इसमें आपको रेड मैक्यूल्स या पेप्यूल्स नजर आते हैं जो बाद में आपको जो है वो गन मेटल ग्रे कलर के हो जाते हैं, इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ द कैंकर मिलती है, साथ आपको सिस्टमिक सिम्टम्स भी आएंगे, पेशेंट को मलेज होगा या फिर उसको फीवर डेवलप हुआ होता है साथ।